आज की सच्ची घटना जो मैं लेकर आई हूँ, इस सच्ची घटना में एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसमें चार लड़कियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उन्होंने एक कुत्ते के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और उसके दौरान एक लड़की की हो जाती है मौत। अगर घटना को पूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। राम राम, नमस्कार। मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने बुलिया एक नाम की जगह है जो कि मध्य अफ्रीका में पड़ती है, वहां की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिनका एक पालतू कुत्ता था जिसके साथ वो रोज फिजिकल हुआ करती थी और इस बात को वो अपने दोस्तों को बताती है। जब उसके दोस्त इस बात को सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भी ऐसा करना है जैसा तुमने किया, और शाम को पार्टी का इंतजाम करते हैं और वो चारों लड़कियां एक कमरे में बंद हो जाती हैं और उसी में उस कुत्ते को ले लेते हैं। तो पहले जो लड़की उसके साथ फिजिकल होती है, उसके बाद बारी बारी से तीनों लड़कियां होती हैं, लेकिन जब चौथी बार वो चौथी लड़की यानी जो सबसे पहली थी वो आती है तो वो कुत्ता इतना एग्रेसिव हो जाता है और उसको कोई भयंकर बीमारी होती है जिसकी वजह से उस लड़की की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है और वो लड़की अजीब एक्टिविटी करने लगती है। वो तीनों लड़कियां उसको ले जाती हैं और सीधा डॉक्टर के पास एडमिट कराती हैं। डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करता है तो डॉक्टर सारी चीज का पता चला लेता है, क्योंकि डॉक्टर समझ रहा था कि शायद इसका गैंगरेप हुआ है। और उसी दौरान डॉक्टर पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, तभी डॉक्टर वहां पर बताता है कि इस लड़की को इतनी भयंकर बीमारी है कि ये अब बच नहीं सकती। जैसे ही वो लड़कियां इस बात को सुनती हैं तभी वो डॉक्टर से गिड़गिड़ाने लगती है और पूछती हैं क्या रीजन है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि कुत्ते को बहुत ही भयंकर बीमारी थी जिस बीमारी के चलते ये जो लड़की है उसके साथ फिजिकल हुई, तो इसका स्पर्म जो है वो उसकी ब्लड में मिक्स हो गया और जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है जिसके चलते हम उसे बचा नहीं सकते। वो तीनों लड़कियां घबरा जाती हैं और फिर तीनों पुलिस को दूसरी बात बताती। वो कहते हैं कि जो हमने अब तक बताया वो सही नहीं था, दरअसल हम चारों ने इसके साथ ऐसा किया है, आप हमें बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। तभी डॉक्टर और पुलिस उसको फटकार लगाते हैं तीनों लड़कियों को, और तीनों का ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में चलता है। और तीनों का ट्रीटमेंट चलने के बाद काफी लंबे समय तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उस दौरान उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को दे दिया जाता है और घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की की गलती की वजह से घर वाले, कोई भी बच्चा, एक बच्चे को पालने में करीबन 19-20 साल लगते हैं। माता पिता के पूरे सपने उन बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। इन लड़के और लड़कियों की छोटी छोटी सी नादानियों और गलतियों की वजह से माता पिता को बहुत बड़ा एक दर्द भुगतना पड़ता है जिसकी वो कामना भी नहीं कर सकते। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी भी घटना को अंजाम ना दें, और कहीं अगर आपको ऐसा लगता भी है तो उनको सचेत करें, समझाएं, क्योंकि बाद में तो ये बहुत सारे ऐसे मामले सोशल मीडिया पर आपको तैरते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को समझाते हो और बचाते हो और किसी की जान आपकी वजह से बचती है, वो ऊपर वाला आपके हर एक पुण्य को लिखता है और आपको इसका बहुत ही बड़ा कोई इनाम आपको भगवान कुदरत के रूप में देता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और ऐसा किसी के साथ ना हो इसके लिए जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।